हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस जारी किया गया है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो इन पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा वो जारी किया गया है, इसकी आज बात करूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहें। तो बात करें पहले असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स हिमाचल प्रदेश में फिलअप की जाती हैं। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं पहले उस पर आएँ, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन पूरे टोटल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसके लिए टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की, और इसमें से जो 100 क्वेश्चन हैं उसमें से 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके डिग्री लेवल के रहेंगे। जो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की है अपनी, उसमें जो डिग्री लेवल के आपके सब्जेक्ट थे वहाँ से आपके टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिफरेंट टॉपिक से जो आपने पढ़े हैं अपने डिग्री लेवल पे। साथ ही साथ 10 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश से। अब जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात की है तो इसके लिए हमारी एक डिजिटल PDF बुकलेट है जिसको आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 1000 हिमाचल GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, और पिछले सालों के ही क्वेश्चन हमने इस बुकलेट में इंक्लूड किए हैं। तो इस बुकलेट को ज़रूर डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। बात करें इसके अलावा 10 क्वेश्चन और होंगे GK ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के। तो टोटल ये मिला के होंगे 100 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल Class 1 गेजेटेड पोस्ट के लिए। बात करें यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, तो सिविल जो है असिस्टेंट इंजीनियर इसके लिए भी इसी तरह से सिलेबस फॉलो किया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, उसके लिए टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की। इसमें से 80 क्वेश्चन होंगे आपके डिग्री लेवल के, जो आपने सिविल इंजीनियरिंग डिग्री में अपनी पढ़ाई की है उस सिलेबस से ही आपके क्वेश्चन आएंगे 80। उसके बाद 10 क्वेश्चन होंगे GK ऑफ हिमाचल प्रदेश से, और लास्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे GK ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन जो हैं इन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ये सिलेबस जो है जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। तो इतना था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह के अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।